हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू लखनऊ लोकल्स। आज हम बात करने वाले हैं दो बहुत इंपॉर्टेंट कुकर्स की, जो कि हॉकिंग्स के कॉन्ट्यूरा और मिस मेरी के हांडी शेप है। ये दोनों ही कुकर काफ़ी देखने में सिमिलर लगते हैं, बट बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। कॉन्ट्यूरा, जो हॉकिंग्स का कॉन्ट्यूरा शेप आता है, ये बहुत पहले हॉकिंग्स ने लॉन्च किए थे और ये वाला आज भी बहुत पॉपुलर मॉडल्स है। बट हॉकिंग्स के मिस मेरी हांडी की रेंज में हॉकिंग्स ने कुछ चीज़ें इंप्रूव कर दी हैं, साथ ही साथ एक बहुत अच्छे प्राइसिंग में दे रखा है। अगर दोनों की बात कर लेते हैं अपीयरेंस की, तो चलिए एक डिफरेंसेस देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मिस मेरी मॉडल की। मिस मेरी मॉडल में हॉकिंग्स ने क्या क्या चीज़ें चेंज करी हैं वो पहले मैं बता देता हूँ। हॉकिंग्स का जो मिस मेरी मॉडल है, उसमें हॉकिंग्स ने अपना सबसे पहले तो सीटी को चेंज किया है। सीटी के जो विसिल दी हुई है, वो अपनी मेन रेंज जो आती है हॉकिंग्स की, जैसे कॉन्ट्यूरा, हैवी बेस, जितनी भी ऐसी रेंज होती हैं, उसके हिसाब से सीटी का वेंट चेंज किया गया है। इसमें अब आपकी वही नॉर्मल सीटियाँ लगेंगी जो आपकी इसमें लगती थी। और बात कर लेते हैं दूसरे चेंज की, वो ये है कि शेप का जो चेंज दिया हुआ है हॉकिंग्स ने, जैसे ये कॉन्ट्यूरा शेप जो दिया हुआ है, इसी का सिमिलर शेप आता है हॉकिंग्स के ब्लैक कलर के कुकर में, जो हम लोग का एक्सटी के नाम से आता है, एक्स्ट्रा थिक के नाम से आता है। कॉन्ट्यूरा का ही ब्लैक वाला जो वेरिएंट होता है, उसी के सिमिलर शेप में मिस मेरी का दिया हुआ है ये शेप, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। अब आपको एक डिफरेंस और बता देता हूँ कि हॉकिंग्स का जो मिस मेरी की रेंज होती है, वो आपको ISI मार्किंग में मिलती है। हालांकि अगर हम कॉन्ट्यूरा की बात करते हैं, तो कॉन्ट्यूरा आपको UL लिस्टेड के साथ मिलती है। UL लिस्टेशन जो होता है, वो वर्ल्ड वाइड रिनाउंड होता है, जिसकी वजह से ये ऑल ओवर वर्ल्ड में बिकता है। और जो ये वाले मॉडल्स होते हैं हॉकिंग्स के मिस मेरी, ये सिर्फ विद इन इंडिया बिकते हैं। एक तो ये डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस बहुत बड़ा, इनके पहले तो विसिल में होता था, बट अब विसिल तो उन्होंने चेंज नहीं करी, मतलब ये है कि चेंज करके ये दोनों सिमिलर कर दी है। दूसरा बहुत बड़ा डिफरेंस होता है इनके हैंडल्स में, कोई भी ये चीज़ नोटिस नहीं करता है। देखिए, अगर हम मिस मेरी रेंज की बात करते हैं, तो उसके हैंडल्स एल्युमिनियम के होते हैं, ये देखिए। और अगर हम बाकी जितनी भी रेंज हम देखते हैं हॉकिंग्स की, कॉन्ट्यूरा हो गया, हैवी बेस हो गया, क्लासिक मॉडल हो गया, इन सब के जो हैंडल्स होते हैं, ये मैग्नेटिक मटेरियल के होते हैं, जो कि स्टील होता है, बट मैग्नेटाइज स्टील होता है। तो हो सकता है कि हॉकिंग्स की तरफ से ये ज़्यादा ड्यूरेबल हो, क्योंकि ये वाले मॉडल्स में प्राइसिंग भी ज़्यादा होती है। बट अगर बात कर लेते हैं हॉकिंग्स की, तो हॉकिंग्स के कुकर ख़राब जल्दी होते नहीं हैं। दूसरी सबसे अच्छी चीज़ मैं बता देता हूँ, हॉकिंग्स ने मिस मेरी हांडी में मेंशन करके दिया है कि कभी भी अगर आप इसमें दाल बनाएंगे या कोई भी ऐसी चीज़ बनाएंगे, तो वो बहुत ज़्यादा स्पिल नहीं करेगी बाहर की तरफ। तो हॉकिंग्स से देखिए, यहाँ पे ये चीज़ मेंशन करके भी दी हुई है, तो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक लोगों का प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि अगर थोड़ी बहुत दाल और यहाँ से अगर फूड मटेरियल निकलने लगता है, तो नीचे गैस स्टोव और इंडक्शन ख़राब हो जाते हैं। एक तो ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट था, बाकी कोई भी ऐसा खास डिफरेंस नहीं होता है। जो कॉन्ट्यूरा मॉडल होता है, वो यहाँ से बिल्कुल स्मूथ फिनिशिंग में होता है, और मिस मेरी मॉडल जहाँ से थोड़ा सा वही एक्स्ट्रा थिक वाला जो मॉडल होता है, उसके हिसाब से जाता है। बाकी ये चीज़ें सेफ्टी के रिगार्डिंग दोनों ही सबसे अच्छे हैं। इसमें ISI स्टैंडर्ड्स दिए हैं, इसमें UL लिस्टेड स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं, और कोई ऐसा खास डिफरेंस नहीं है। सेफ्टी वॉल भी दोनों में सिमिलर लगेंगे, ऊपर के हैंडल्स भी बिल्कुल सिमिलर दिए हुए हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। प्राइसिंग का थोड़ा सा डिफरेंस है। प्राइसिंग में क्या किया है, मिस मेरी हांडी को हॉकिंग्स ने और कॉम्पिटिटिव बना दिया है बाकी कंपनियों के लिए, क्योंकि इस शेप में जितनी भी बाकी कंपनियाँ अपने कुकर्स निकाल रहे थे, अब उनकी बैंड बजने वाली है। रीज़न ये है कि हॉकिंग्स ने जब 1100 समथिंग में अपना ये कुकर निकाल दिया है, इसकी एक्चुअल प्राइसिंग में आपको बताता हूँ, इसकी एक्चुअल प्राइसिंग है आपकी 1115, मतलब 1115 रुपए में आपको हॉकिंग्स का मिस मेरी मॉडल मिल जा रहा है हांडी शेप में, उससे बेहतरीन कुछ हो ही नहीं सकता। प्लस इसमें आपको डिस्काउंट्स भी मिल जाते हैं। तो ये है कि बाकी कंपनियाँ अगर एस टाइप के मॉडल्स ऑफर कर रही हैं, तो अब उनको मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा या तो फाइट करनी पड़ेगी, या तो उनके लिए सोचने वाला टाइम है, क्योंकि मिस मेरी हॉकिंग्स की जो रेंज है, ये बहुत ही बेहतरीन होती है। और साथ ही साथ हॉकिंग्स जो एल्युमिनियम यूज़ करता है, उसकी भी क्वालिटी बेस्ट होती है। मतलब इसमें जो कंप्रेस एल्युमिनियम ये लोग यूज़ करते हैं हॉकिंग्स की, ये भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी की होती है, ये मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। जितने लोग भी हॉकिंग्स के यूज़र्स हैं, वो ये बात समझते हैं। इसीलिए ये मेरे ख्याल से इंडिया नहीं, वर्ल्ड का एक बहुत रिनाउंड कुकर का ब्रांड है। और चलिए इसकी एक बार वेट कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि इसमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं, वेट का डिफरेंस है भी कि नहीं है। पहले हम लोग वेट करेंगे कॉन्ट्यूरा मॉडल को। कॉन्ट्यूरा मॉडल को जब वेट करते हैं, तो ये आपका आता है एक कॉन्ट्यूरा मॉडल को वेट करते हैं, तो ये आता है 1 kg 236 ग्राम्स।
एक किलो 236 ग्राम, और अगर वही हम मिस मैरी को वेट करते हैं तो मिस मैरी को वेट करने में 1 kg 122 grams। तो वेट का डिफरेंस है, वेट लगभग आपको ये 100 grams के आसपास का डिफरेंस मिलेगा कि 100 grams जो मिस मैरी मॉडल है वो कम वेट है और जो कॉन्टिना मॉडल है उसका वेट थोड़ा सा ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली बात है, हो सकता है इसी वजह से इनका प्राइसिंग का कोई डिफरेंस हो, बट हालांकि ये दोनों ही कुकर बहुत ही बेहतरीन है, एक नॉर्मल रेंज में बेस्ट कुकर्स हैं। तो अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं परचेज कर सकते हैं, हमने लिंक इनका दे रखा है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, वो भी देख लीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है और आपको लगता है कि और भी कुकर्स के आपको रिव्यूज़ देखने हैं तो हमारी वीडियोज़ में जाके देख सकते हैं, हमने बहुत सारे कुकर्स का रिव्यू कर रखा है, स्पेशली स्टील कुकर्स का रिव्यू भी कर रखा है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है और हमारे चैनल आप सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ हमें सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग अस।